अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। ये एक बहन का सवाल है। वो कहती हैं कि अगर रोजे के दौरान हैज आ जाए तो क्या रोजा टूट जाता है या नहीं। तो देखिए मेरे भाइयों और बहनों, याद रखिए, रोजे की हालत में हैज आ जाने से रोज़ा फासिद हो जाता है, यानी रोज़ा टूट जाता है, और हाइजा को इसके बाद बाकी पूरा दिन खाने पीने की इजाज़त होती है, बल्कि उसके लिए कुछ खा पी लेना बेहतर है ताकि उसके हक में रोज़ादारों की मुशाबहत ना रहे, और पाकी के बाद हैज के अय्याम के फौत शुदा रोज़ों की कज़ा रखना लाजिम होता है। यानी अगर किसी औरत को माहवारी आ जाए, मेंसेस या पीरियड स्टार्ट हो जाए, तो इसके बाद वो औरत रोज़ा तोड़ सकती है, तोड़ क्या सकती है बल्कि उसका रोज़ा टूट जाएगा, तो वो खा पी ले ताकि लोगों को, या अगर करीब वाली औरतें हैं तो उनको आइडिया हो जाए कि इसका रोज़ा नहीं है। और इसके बाद जब रमज़ानुल मुबारक ख़त्म हो जाए तो फिर जितने रोज़े अय्याम हैज के हैं, 3, 5, 7, 8, 9, 10 जितने भी हैं, वो रोज़े दोबारा कज़ा के तौर पर रख लिए जाएं। अल्लाह ताला हर भाई बहन को ये बातें समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।